अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आ रही है ना मेरी? ऑल ठीक है। कल हमने फेसबुक के बारे में जो है स्टडी की थी, आज जो है सोशल मीडिया का अनदर प्लेटफॉर्म है ट्विटर, इसको जो है स्टडी करते हैं। ट्विटर इज़ अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसको ट्विटर में आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा। हाउ यू मेक अकाउंट इन ट्विटर, आप जो है फर्स्ट स्टेप आप ट्विटर में अकाउंट कैसे बनाएंगे आप उसको जानिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना होगा कि आपको ट्विटर में जाकर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करके उसमें लॉगिन करें। फर्स्ट अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, देन यू कैन लॉग इन। तो ट्विटर में अकाउंट बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो ट्विटर की तरफ से दिया जाएगा उसको फॉलो करके आप जो है इसमें अकाउंट बना सकते हो। और ट्विटर में किस तरह आप अकाउंट बनाएंगे, क्या डिटेल्स आपको रिक्वायर है, आप एक बार लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाएंगे तो सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। ट्विटर का बेनिफिट क्या है, क्यों ट्विटर जो है ज़्यादा फेमस होता है और किन सेक्शंस में सोसाइटी के कौन से ऐसे ग्रुप में जो है ट्विटर ज़्यादा यूज़फुल होता है और जो है वहाँ पर यूज़ होता है, और किस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और दूसरे लोग जो है इस प्लेटफॉर्म को ट्विटर अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए जो है इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और ये किस तरह एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का जो है काम करता है। कस्टमाइजिंग योर प्रोफाइल, जब अपना अकाउंट बनाएंगे तो इसमें जो है आपका जो प्रोफाइल है उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। आप जो है उसका बैनर पर अपना एक इमेज लगा सकते हैं जो आप के इंटरेस्ट की चीज़ को उसमें शो करता हो, और एक आपका जो है प्रोफाइल डीपी लगा सकते हो जहाँ पर आप अपनी फ़ोटो या अपने बिजनेस की फ़ोटो या जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं उसमें वहाँ ऐड कर सकते हो ऑन दी हेडर। टाइप्स ऑफ ट्वीट्स, इसमें डिफरेंट टाइप के किस टाइप के ट्वीट्स आप करते हैं इसका भी जो है बुकमार्क बनाया जा सकता है और डिफरेंट ट्वीट्स करते हैं। इसमें एक लिमिटेड वर्ड्स का ही आपको जो है ट्वीट और जो है मैसेज भेजना अलाउड है, ज़्यादा बड़े बड़े मैसेज इसमें नहीं भेजे जा सकते। अलबत्ता आपका यूआरएल या सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कुछ शेयरिंग्स है तो उसके हाइपरलिंक्स या फिर जो है उसके लिंक्स को शेयर किया जा सकता है, और कुछ फ़ोटोज़ और छोटे ऑडियोज़ को या वीडियोज़ को शेयर किया जा सकता है। ट्विटर की जो कंटेंट स्ट्रेटजी है इसके बारे में ये है कि अभी जैसे बताया मैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मैसेज, बिग और लॉन्ग मैसेज नहीं भेज सकते, शॉर्ट मैसेजेस के लिए ये काम आता है। और जब ट्विटर में आप अकाउंट बनाएंगे तो किस तरह आप फॉलो आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो या आप किसी दूसरे को फॉलो कर सकते हो, ये आप प्रैक्टिकल जब अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा हाउ यू डू दैट। पोस्ट योर फर्स्ट ट्वीट, वंस आप अपना अकाउंट बना लेंगे ट्विटर में तो उसके निचले हिस्से में एक ब्लू कलर का पर के टाइप का निशान होता है, मैं सेशन के एंडिंग में वो जो है आपको प्रैक्टिकल कैसे होता है ऑनलाइन जाकर अपने अकाउंट में लॉगिन करके दिखाऊंगा। पोस्ट योर फर्स्ट ट्वीट, एनालिसिस ऑफ बिग ब्रांड्स, इसमें डिफरेंट ब्रांड्स को जो है किस तरह एनालिसिस कर सकते हो आप, और उसका जो है क्या एनालिटिक्स आपको यूज़फुल और जो है काम आ सकती है इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। व्हाट इज़ हैशटैग,
हैशटैग को इस्तेमाल करके किस तरह आपके ट्विटर को जो है आप जो है आप इसमें अवेलेबल कर सकते हैं, किस तरह हैशटैग का क्या फ़ायदा है और इसके किस तरह यूजेस हैं, व्हाट फॉर व्हाट पर्पस द हैशटैग इज़ यूज्ड, यहाँ पर आपको इसमें ये सीखने की ज़रूरत है हाउ यू यूज़ दी हैशटैग। हाउ टू यूज़ हैशटैग एंड ट्रेंडिंग टैग्स, ये इसमें क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग, व्हाट्स मीनिंग ऑफ ट्रेंडिंग द ट्वीट, और जो चीज़ आपको जो न्यूज़ आपको ट्रेंडिंग कर रही है हाउ इट बिकम्स ट्रेंडिंग, इसके क्या जो है तरीके हैं कि आप न्यूज़ को ट्रेंड करते हैं और न्यूज़ को ट्रेंड किया जाता है या इंफॉर्मेशन को या आपके ट्वीट को ट्रेंड किया जाता है। टूल्स फॉर ट्विटर मार्केटिंग, अब ये प्लेटफॉर्म जबकि सोशल मीडिया के लिए यूज़ होता था, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि इससे उनको बेनिफिट ये होता है कि उनके पास एक बिग ऑडियंस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो जो है इसका एडवांटेज भी हासिल करना चाहते हैं और लोगों तक भी उसका बेनिफिट पहुँचाना चाहते हैं। तो ट्विटर में डिफरेंट टाइप की जो एनालिसिस होती है, जो एनालिटिक्स होती है, इसको जो है आप किस तरह चेक कर सकते हैं, हाउ यू कैन सेटअप ट्विटर एड्स, ट्विटर में जो है आपको एड सेटअप करने के लिए आपके अकाउंट को जो है किस तरह सेटअप करना होगा और हाउ यू कैन चेंज योर पर्सनल ट्विटर अकाउंट इनटू ए बिजनेस अकाउंट, उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है ट्विटर का जो पर्सनल अकाउंट होगा उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कैंपेन्स, जिस टाइप के कैंपेन्स आमतौर हम नॉर्मल जो है एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं उसी तरह के कैंपेन्स ट्विटर में भी करते हैं, लेकिन ट्विटर इज़ नॉट ए फेमस प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजमेंट, यू गूगल और फेसबुक आर वेरी फेमस एंड वेरी यूजफुल, ट्विटर में भी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं लेकिन इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, तो इसमें जो है आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा एडवर्टाइजिंग का। यू कैन यूज़ इट एज ए सोशल मीडिया टूल, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होगी उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। इसमें फॉलो करने का जो तरीका है, हाउ यू फॉलो पीपल और हाउ अदर पीपल्स फॉलो यू, और किस तरह ट्रैफिक और कन्वर्शन कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं, टारगेटिंग ऑप्शंस क्या होते हैं, क्या आपका बजट होना चाहिए उसको रन करने के लिए, यू विल कम टू नो इन दैट। ट्विटर मार्केटिंग और इसमें एडवर्टाइजिंग का जो तरीक़ेकार है, जो टाइप है आपके एडवर्टाइजमेंट का, जो फॉर्मेट होगा, वेदर इट इज़ ए डिस्प्ले एड और वेदर इट इज़ ए टेक्स्ट एड, ये डिफरेंट टाइप्स के आप जो है एड्स इसमें रन किए जा सकते हैं। इसके अलावा इमेजेस एड्स, वीडियो एड्स, ट्विटर कार्ड्स, कन्वर्शन ट्रैकिंग, ये डिफरेंट जो है प्रैक्टिसेस है जो ट्विटर में आपको की जा सकती हैं। मेजरिंग रिजल्ट्स, इसमें जो मेजरिंग रिजल्ट्स है
एनीवे लेट द अदर पीपल ज्वाइन। ये जो क्लास चल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है इसका जो है अरेंजमेंट किया गया है। 9 से 10 एक बैच है जो ऑनलाइन है। शायद बहुत लोगों को लिंक नहीं मिला जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोग स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से ही ज्वाइन किए हैं। सो दोज़ हु आर कमिंग कैन जस्ट सिट हियर। सो ऑफलाइन क्लास भी यहाँ MPM मॉल में हमारे ट्रेनिंग हॉल पर चलती है, और 9 से 10 का ये जो फ्री वाला बैच है इसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसको स्टडी कर रहे हैं। यूजुअली हर स्लाइड और हर दिन क्लास के बाद में एंड पर इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है उसका जो है आपको डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, और आपको यहाँ पर असाइनमेंट दिया जाएगा कि आप अपने तौर पर इस काम को किस तरह प्रैक्टिकली कर सकेंगे। अब जो लोग यहाँ ऑफलाइन क्लास में मौजूद है वो भी जो एक्टिविटीज़ है उसको देख रहे होंगे कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है इनको जो है दिखाया जा रहा है, और फिर जो है आपको एंड पर किस तरह आप जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, व्हाट यू हैव टू डू आई विल एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ द क्लास। तो जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं किसी वजह से, शायद कुछ लोगों को लिंक नहीं मिल पाया और कुछ लोग जो है स्टार्टिंग से ही ज्वाइन किए हुए हैं, तो ट्विटर के बारे में जो है जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इस तरह ट्विटर के अंदर जो ऐड फॉर्मेट है, ऐड इमेज ऐड्स है, वीडियो ऐड्स है, ट्विटर कार्ड्स है, कन्वर्शन ट्रैकिंग है, मेजरिंग रिजल्ट्स है, और रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ये किस तरह की जाएगी आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इसको लर्न करने की ज़रूरत है। टारगेटेड रीमार्केटिंग ऑडियंस में आपका जो कैंपेन आपने रन किया था उसमें जो है किस तरह आप उसको रीमार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे ये भी जो है इसमें शामिल है कि आपको इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है, बल्कि सीखना है आपको कि हाउ यू डू रीमार्केटिंग। और जो स्ट्रेटजी आपको एडवर्टाइजमेंट की शुरू में बताई गई, हर एडवर्टाइजमेंट का एक जो है एक स्ट्रेटजी होती है और एक जो है एम होता है कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर रनिंग दी एडवर्टाइजमेंट ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ट्विटर भी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एडवर्टाइजमेंट को रन किया जा सकता है, और इसके अलावा पर्सनल भी आप इसको अपना अकाउंट बना सकते हैं इसके अंदर, और इसमें जो है आपके व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं और अदर्स को फॉलो करके, अदर्स आपको फॉलो करके इस तरह का नेटवर्क आपको बढ़ता जाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूट्यूब मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग। वीडियो मार्केटिंग में जो है आपको दो तरीके हैं, एक तो जो लोग यूट्यूब में अपना चैनल बनाते हैं और अपने एड्स अपने जो है वीडियोस अपलोड करते हैं उनके अंदर जो है जो ऐड आएगा वो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है गूगल एडसेंस, उसके थ्रू आपको आपके जो गूगल का जो एडसेंस है उसके ज़रिए जब आप साइन अप करते हैं तो आपके वीडियो में वो एडवर्टाइजमेंट रन करता है, दैट विल बी कॉल्ड आपका जो है यूट्यूब मोनेटाइजेशन, उसको मोनेटाइजेशन कहा जाता है। यूट्यूब मार्केटिंग में जो है आपको एडसेंस के थ्रू एड्स आपको जो है रन किए जाते हैं, और वो गूगल का नेटवर्क है तो उसमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो एडवर्टाइजमेंट रन होते हैं उसका तरीक़ेकार ये है कि वो गूगल के थ्रू आपके नेटवर्क में और आपके वीडियो को यूज़ करके
उसमें एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ यूट्यूब मार्केटिंग, इसमें यूट्यूब में किस तरह मार्केटिंग की जाती है, देर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ एड्स अवेलेबल इन दैट। तो उसमें जो है आपको किस फॉर्मेट में उसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी, आपको जो है वो ऐड रन करने पर आपको उसका पेमेंट देना पड़ेगा। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेट अप योर एडवर्ड अकाउंट। गूगल में दो तरह के एड्स होते हैं, इससे पहले भी बताया था मैं, जो लोग नहीं जानते या जिनको क्लियर नहीं है उनके लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। जो गूगल का अकाउंट होता है, आपका जो जीमेल है उसी से लिंक्ड अकाउंट होता है, जिसमें एडवर्ड्स और एडसेंस दो तरह के ऐड के जो है कैटेगरीज हैं। एड्स वर्ड्स जो है मार्केटिंग के लिए है, उसमें जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कहेंगे उसको, और दूसरा जो है एडसेंस है। एडसेंस में गूगल आपके नेटवर्क पे, आपके यूट्यूब पे या आपके वेबसाइट पर या आपके ब्लॉग्स में अपना नेटवर्क के थ्रू एड्स रन करता है, और उसमें आपका जो शेयर है, आपका जो प्रॉफिट है, उसमें प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो आपको पे आउट करता है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज एडसेंस। तो एडसेंस में डिफरेंट ऐड के फॉर्मेट्स होते हैं, डिस्प्ले ऐड होते हैं, सर्च ऐड होते हैं, और टेक्स्ट ऐड होते हैं, मल्टीप्लेक्स ऐड होते हैं, और इस तरह डिफरेंट यूट्यूब में जो है आपके यूट्यूब मोनेटाइजेशन होता है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो भी आपको जो है ऐड रन होगा उसकी मार्केटिंग के लिए आपको एडवर्ड का प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। एडवर्ड में जो है आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। वंस यू क्रिएट योर अकाउंट, स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पर जो है बताया जाएगा कि हाउ यू कैन क्रिएट एन ऐड, हाउ यू कैन क्रिएट एन कैंपेन। और उसको किस तरह जो है आप रन कर सकते हैं, किस तरह आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, दैट ऑल प्रोसेस विल बी शोन देयर। तो क्रिएटिंग और इसकी जो स्टैटिक्स होगी यूट्यूब की, इसकी भी पूरी कंप्लीट एनालिसिस होती है। और यूट्यूब एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है एड्स को रन किया जाता है, और इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जो है सर्च इंजन के टाइप में जो है आपको ये काम करता है। गूगल के बाद नंबर वन जो है, नंबर टू पे जो है ये यूट्यूब आता है। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसके थ्रू जो एडवर्टाइजिंग होती है, इट्स वेरी पावरफुल टूल फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो अब इसके बाद में है, आप जो है किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं इसमें। जब भी आप जो है जीमेल में अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप अकाउंट बनाते हैं, तो आपके अकाउंट के साथ ही आपको यूट्यूब का भी अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आप उसको जो है अपने चैनल को क्रिएट करना होता है। हाउ यू क्रिएट दैट चैनल, वो आपको करना होगा। यू हैव टू क्रिएट योर ओन चैनल। और किस तरह आप चैनल क्रिएट करने के बाद में उसका जो बैनर पेज है चैनल का, उसको कस्टमाइज़ करेंगे, किस तरह उस चैनल की ब्रांडिंग करेंगे, किस तरह उसमें जो है अपना प्रोफाइल इमेज या प्रोफाइल में जो भी आप इंफॉर्मेशन या जो फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं वो लगा सकते हैं आप, और किस तरह उसके वीडियो के ऊपर जो है एक आइकॉन होता है जो आपको ड्यूरिंग द होल वीडियो वो मौजूद होता है, उस पर किस तरह आप जो है कस्टमाइज़ करेंगे, ये ब्रांडिंग में जाता है, चैनल कस्टमाइजिंग में आता है। जब आपको ब्रांडिंग का ऑप्शन आता है उसमें वेबसाइट आपका जो है अकाउंट क्रिएट करने के बाद में, तो चैनल को किस तरह आप जो है कस्टमाइज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वो यू कैन डू दैट, हाउ टू कस्टमाइज द चैनल। टाइप्स ऑफ वीडियो फॉर्मेट्स, वीडियो फॉर्मेट्स के डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें आपको जो है स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट होते ही एक वीडियो आपको जो है ऐड प्ले होता है वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसको आप जो है 5 सेकंड तक स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको ऑप्शन होता है कि आप उसको स्किप कर सकते हैं, और उसके आगे स्किप ना करें तो इट विल रन फॉर सम मोर टाइम। बस सिर्फ 5 सेकंड के लिए आते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाते हैं। और बस जो है ड्यूरिंग जो आपका वीडियो देख रहे हैं उसके दरमियान में पॉपअप की तरह आते हैं,
और ओवरले आपके वीडियो के ऊपर के हिस्से में ही रहते हैं, उसको आप क्लोज़ कर सकते हैं चाहे तो, या उसको फिर वो अपीयर होने के बाद में डिसअपीयर भी हो जाता है, या फिर उसका जो टाइम वहाँ पर होता है ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन के बाद में वो डिसअपीयर हो जाता है। तो इस तरह जो है दौरान में भी जो है वीडियो चल रहा है तो उसमें भी वीडियोस के दौरान में भी वो इंसर्ट किया जा सकता है यूट्यूब नेटवर्क के थ्रू। तो क्रिएट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपको जो है इसमें हाउ यू क्रिएट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, किस तरह आप जो है वीडियो एड का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, अपलोड द फर्स्ट वीडियो, इसमें आपको दोनों चीज़ें करना है, आपका चैनल बनाना है, इसको कस्टमाइज़ करना है, और आपका नेटवर्क बढ़ाना है, जितने आपके पास विजिटर होंगे, जितने आपके पास वीडियो का टाइम जो है लोग उस पर गुजारेंगे उसकी बेसिस पर आपको गूगल एडसेंस मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है। जब अप्रूव करेगा तो आपको एक पब्लिशर आईडी मिलेगा, उसके थ्रू आपको जो है आपका अकाउंट मेंटेन होगा, अकाउंट मैनेजर में जाकर आपको वो सारी चीज़ें आपकी सेटअप करनी है कि आपको किस तरह पेमेंट आएगा, तो आप किस तरह अपने अकाउंट से कौन से अकाउंट में रिसीव करेंगे, उसका फुल डिटेल होना है, आपका फुल एड्रेस होना है, आपका बैंक का डिटेल उसमें डालनी होगी, आपका जो है पैन कार्ड वगैरह की डिटेल भी उसमें आपको सबमिट करनी होगी। तो ये प्रोसेस आपको जो है आपकी अकाउंट सेटिंग में आ जाएगा। और एक थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है, अगर आप पे उस पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ जो है आपको रिवेन्यू जनरेट होता है उससे, तो उस रिवेन्यू को आप जो है किस तरह अपने अकाउंट में ले सकते हो और उसका क्या थ्रेशोल्ड आपने सेट किया है, वो आपको मिनिमम $100 के अबाउ जो भी अमाउंट आता है या $100 होते ही आपको वो एक थ्रेशोल्ड है, वो अमाउंट आपको भेज दिया सकता है, और इससे भी ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो आपको जो भेजने का थ्रेशोल्ड सेट करते हैं वो मिनिमम $100 से ज़्यादा होंगे तो $100 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एक तरीका है मोनेटाइजेशन का। अब इसमें वीडियो की जो सेटिंग्स है, वीडियो को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कार्ड्स वगैरह, एंड स्क्रीन और सबटाइटल किस तरह उसमें ऐड करेंगे, हाउ यू कैन क्रिएट प्लेलिस्ट, अगर आपके पास में जो है एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें कई वीडियोस हैं, बल्कि हंड्रेड्स हैं, थाउजेंड्स हैं, तो आप उसको कैटेगरी के लिहाज से प्लेलिस्ट में ऐड करके उस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं, या कोई भी विजिटर आता है तो उसके लिए अवेलेबल कर सकते हैं कि जो इंटरेस्ट की चीज़ होगी, जिसकी यानी स्पेसिफिक, जैसे कोई एक न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ चैनल में कोई पर्टिकुलर जो है हर दिन कई वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उसमें उनको ये करना होता है कि जिस इंटरेस्ट की चीज़ पब्लिक को ट्रेंडिंग है या डिमांडिंग है, एग्जांपल अभी सपोज़ कुछ दिन पहले यूपी का इलेक्शन हो रहा था तो उससे रिलेटेड उनको वीडियो चाहिए, तो देर विल बी मैनी वीडियोज़ उसके होंगे उसमें, तो उसको वो यूपी इलेक्शंस की कैटेगरी के लिहाज से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और जो है उसमें फिर वो अपलोड करेंगे। इसी तरह स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, फिर स्पोर्ट में डिफरेंट अदर कैटेगरीज है, तो हर कैटेगरी का आप चाहे तो प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, और प्लेलिस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, प्लेलिस्ट को नाम किस तरह देते हैं, और फिर प्लेलिस्ट में वीडियोज़ किस तरह ऐड कर सकते हैं, वो जो है आपको सीखने की ज़रूरत है। आगे हाउ टू क्रिएट प्लेलिस्ट हो गया, यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो, यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, जिसमें आपको वीडियो को एडिट कर सकते हैं, वीडियो को जो है ट्रिम कर सकते हैं, वीडियो में जो है अगर कोई साउंड वगैरह चेंज करना है या नहीं है तो डालना है, तो ये सारा आप उसमें कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ क्रिएटर स्टूडियो, देर डिफरेंट फीचर्स होते हैं इसको, जब यूज़ करेंगे आप तो हर एक का एक एक फीचर आपको पता चलेगा और आप जो है उस पर काम करेंगे प्रैक्टिकल। यूट्यूब में जो एनालिसिस होती है, जो ट्रैफिक आती है या फिर उसकी जो स्टैटिक्स है, वीडियो को कितनी देर किसने देखा, कहाँ से देखा, कितने मिनट देखा, ये पूरी स्टैटिक्स आपको उस अकाउंट में अवेलेबल रहती है, और पर्टिकुलर वीडियो के हर वीडियो का एनालिसिस और उसकी स्टैटिक्स उसी वीडियो के फर्दर डिटेल्स में मिलेगी। इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट यू डू इन यूट्यूब मार्केटिंग। इंक्रीज सब्सक्रिप्शन
अंडरस्टैंडिंग कॉपी राइट्स एंड स्पैम। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि हमने कल जो है फेसबुक का आपको बताया था और आज जो है ट्विटर की मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, और इस टॉपिक से जो है आज का जो है क्लास का सेशन स्टार्ट हुआ था। तो अभी ट्विटर का हम प्रैक्टिकल किस तरह अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं और किस तरह उसको ट्विटर को यूज़ करते हैं आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो जब आप ट्विटर के अपने अकाउंट में जाएंगे तो हाउ यू कैन सी द डिफरेंट थिंग्स। ये नया स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है ना, मैं अभी ब्राउज़र में आपको जो है ऑनलाइन ट्विटर पर ले जाकर हाउ यू क्रिएट योर अकाउंट इन ट्विटर, ये तो आपको ही करना है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिनका अकाउंट नहीं है वो अपना अकाउंट क्रिएट करें, और किस तरह इसको ट्विटर को जो है आप स्टडी करते हैं, और किस तरह ट्विटर में एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, किस तरह ट्विटर की अदर एक्टिविटीज़ को यूज़ करेंगे आप, ये सारी डिटेल यहाँ पर प्रैक्टिकल नज़र आएगी। अगर कोई टाइप करेंगे इसमें, आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं, तो उससे मेरे को आइडिया आएगा कि यू आर वॉचिंग आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहिए, सिर्फ टीवी पे वीडियो देखे जैसा नहीं है, ये आपको थोड़ा इंटरेक्ट भी करना होगा इसमें। जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं तो इस तरह आपका ट्विटर अकाउंट होगा, ये होम पेज होगा आपका ट्विटर का। इसमें आपको ट्वीट अगर करना है तो सबसे पहले अकाउंट का, ये आपका जो प्रोफाइल है, ये बिज़नेस का आपका जो भी पर्सनल अकाउंट है या बिज़नेस अकाउंट है, यहाँ पर आप इसको जो है आपका, ये आपका पेज है, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो अब इसमें आप चाहे तो अपना फ़ोटो लगाएं या आप कुछ और आप जिसमें इंटरेस्टेड है वो लगा सकते हैं। इसको एडिट को प्रोफाइल करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी इमेज डालना चाह रहे हैं वो इमेज डाल सकते हैं।
अब एक नया आपको जो है क्रिएट करना है ट्विटर पे, कोई भी आपको ट्वीट करना है तो व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर आपको ये डिटेल मिलेगी। और इसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं वो जो है आप टाइप कर सकते हैं और इसमें जो है उस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इन अवर लास्ट डिजिटल मार्केटिंग बैच मैनी स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड गॉट सर्टिफाइड by Google. You can visit that, you can get their details here. इस पर आपको मैं एक hyperlink दूंगा। With that hyperlink you can see in our last performance badge they have done very well and they got certified. Today I shared this was the excellent performance of our last batch. Here is the hypertext for that. तो यहाँ पर जब आप ट्विटर में जो भी मैसेज डालेंगे तो इसमें एक आपको एक लिमिट होती है। देखिए ये सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा तो उससे ज़्यादा आप उसमें टाइप नहीं कर सकते। अभी एग्जांपल मैं ये हेडिंग को मैं यहाँ पर डालता हूँ कंट्रोल सी, अब यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा तो देखिए अभी थोड़ा सा स्पेस और बाकी है। ठीक है, देखिए इससे ज़्यादा होगा तो अब वो अवेलेबल नहीं होगा, तो यहाँ तक वो लेता है। इसको जब ट्वीट करूँगा मैं तो इसके साथ अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को लेना है इसमें तो ये ऐड करूँगा और इसके साथ इसमें अटैच कर दूँगा, देन इट विल बी पब्लिश। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मेरे को ऊपर ले जाना होगा एट दिस मोमेंट। ठीक है, देन अगेन ट्वीट, ये जब ट्वीट हो जाएगा तो आपकी एक्टिविटी में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपकी एक्टिविटी में ये ट्विटर में ये ऐड हो गया। तो ये आपका होम पेज होगा जिसमें अभी हमने ट्वीट किया है, ये जो ट्वीट किया यहाँ पर नज़र आया और इनका जो रिज़ल्ट है वो अगर आपको देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गो टू दैट पेज। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने 100% अचीवमेंट किया है सर्टिफिकेशन में, किसी ने 84%, किसी ने 96%, किसी ने 94%। तो इस तरह का जो है आप ट्वीट भेज सकते हैं, इस तरह जो है आप ट्विटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हाउ यू यूज़ हैशटैग, किस तरह यूज़ करेंगे और इसका क्या यूज़ होगा, और हैशटैग के थ्रू जो न्यूज़ और जो चीज़ों को ट्वीट किया जाता है उसको किस तरह यहाँ पर आपके पेज में। देखिए ये जो बायकॉट अमेज़ॉन अगर कोई एक ऐसा लिखता है ये ट्वीट करता है तो ये जो हैशटैग यूज़ कर रहा है इसमें ये हैशटैग से आपको जो है ट्रेंडिंग में या फिर जो है ट्विटर में फाइंड करने के लिए आसानी होती है कि इस तरह का जब हैशटैग यूज़ करते हैं और टाइप करते हैं कोई तो आसानी से उसको आप हैशटैग से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन आपको आती हैं इसमें और फिर जो है आपको डिस्कवर न्यू लिस्ट, आप कुछ लिस्ट बना सकते हैं आप कैटेगरी वाइज के आपके इंटरेस्ट की जो लिस्ट है उसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये थ्री डॉट्स जो नीचे नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर इसमें टॉपिक से रिलेटेड कैटेगराइजेशन हो सकता है आपको
हाउ यू डू कैटेगराइज, उसमें जो है आपको टॉपिक्स को किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद में जो है मूवमेंट्स, डिफरेंट मूवमेंट्स क्या होते हैं इसमें, अगर कोई आप मूवमेंट क्रिएट करना है तो इसमें क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक ऑप्शन होता है उसमें, हाउ यू डू दैट। उसके बाद में न्यूज़ लेटर्स अगर आप क्रिएट करना है किसी को तो यहाँ पर न्यूज़ लेटर्स क्रिएट करते हैं। फाइंड आउट मोर, हाउ टू क्रिएट न्यूज़ लेटर्स, अगर आप सपोज कोई एक बिल्ड है, आप एक कोई ब्रांड मेंटेन करते हैं तो उसमें कस्टमर्स की लॉयल्टी और उनको एक ऑडियंस की लॉयल्टी बनाने के लिए आप जो है स्टार्ट ए न्यूज़ लेटर फॉर फ्री, यहाँ पर इस तरह करके अपना एक गेट स्टार्टेड विथ रिव्यू, अब यहाँ पर साइन इन करेंगे, इसमें ऑलरेडी साइन अप है तो उसी अकाउंट से आप इसके अंदर चले जाएंगे, ऑथोराइज ऐप करने के बाद में आपको जो है वो न्यूज़ लेटर क्रिएट करने का आपको ऑप्शन यहाँ पर देता है, आपका यूज़र नेम यहाँ पर होता है, फिर आपको जो है जो भी चीज़ लिखना है, जो भी आपको न्यूज़ लेटर क्रिएट करना है आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एक अकाउंट में लॉग इन हैं तो इसमें किस तरह दूसरे अकाउंट पर स्विच हो सकते हैं वो भी इसमें यहाँ पे वी हैव फिनिश्ड दैट, नो प्रॉब्लम। तो अब इसके बाद और एक दूसरी जो चीज़ है न्यूज़ लेटर के बाद, ट्यूटर फॉर प्रोफेशनल्स, इसमें प्रोफेशनल का जो है जो यूज़ होता है वो किस तरह जो है इसको यूज़ करते हैं, इनका एक सेपरेट से इसमें यहाँ पे लिंक होता है जिसमें यू कैन ऑर्गेनाइज योर प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स और जो है प्रोफेशनल ट्वीट्स वगैरह जो आपके रिलेटेड हैं उसमें उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। अब इसके बाद में और एक जो चीज़ बाकी है वो ट्विटर एड्स, यहाँ पर अभी जो अभी हमने स्टडी किया था कि हाउ यू रन ट्विटर एड्स कैंपेन, इसमें आपको जो कैंपेन चला रहे हैं आप उसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। आप यहाँ पर इतने बहुत से ऑप्शन दिया हुआ है उन्हें, ये प्लेटफॉर्म में आपको इतने सारे ऑप्शन दिया हुआ है कि हाउ यू रीच, आप जब मैक्सिमम यू रीच, अब यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करेंगे है तो ये आपका जो है अवेयरनेस के बारे में है, वीडियो व्यूज, प्री रोल व्यूज, ऐप इंस्टॉलेशन, वेबसाइट ट्रैफिक, एंगेजमेंट एंड फॉलोवर्स, आपका कैंपेन रन करने का पर्पस क्या है वो पर्पस आपको डिफाइन करना है यहाँ पे, और उस तरह करके आपका जो है ये कैंपेन क्रिएट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आप, एग्जांपल इसको ले लेते हैं, रीच, मैक्सिमम ट्रैफिक, या वीडियो एंगेजमेंट, या फिर फॉलोवर्स, या एंगेजमेंट, या वेबसाइट ट्रैफिक पे अगर क्लिक करते हैं तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, रीच और ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, अगर आपका ये गोल है तो आप उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको सेटअप का तरीक़ा मिलेगा। अगर आप सिर्फ वीडियो व्यूज़ पे अगर जाना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो उसका जो है आपको कैंपेन क्रिएट होगा। तो एग्जांपल अपन वेबसाइट ट्रैफिक का अगर क्रिएट करेंगे तो नेक्स्ट जब बोलेंगे तो यहाँ पर आपको इसका जो है एक टाइटल देना होगा, ये जो आपका कैंपेन है, कैंपेन का कुछ एक नाम देना पड़ेगा, कैंपेन की डिटेल क्या है, या ऐड ग्रुप क्या है, यहाँ पे आप उसको नेम देंगे, ऐड ग्रुप की डिटेल्स आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी, यहाँ पर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग ऐड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐड 1, ये इस तरह का एक नाम जो है आपको देना होगा। उसके बाद में जो है टोटल ऐड ग्रुप बजट, आपका बजट कितना है, सपोज़ $100, आपका टाइम स्पेसिफाई करना है कि कब से ये ऐड रन करना है, ये कैंपेन बनाना है और कब ख़त्म करना है, 3 को शुरू करना है, 4 को ख़त्म करना है। अगर इसमें एक दिन करेंगे तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स का इसमें टाइम होता है, अगर उतना टाइम आप नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ आप स्पेसिफिक टाइम तक सेट करना है तो 3 में 10 बजे से लेके सेम या फिर 3 को सेम डेट
यहाँ पर 2 बजे तक AM है, 10 AM नहीं, यहाँ पर सुबह अपन जो है 11 AM टू 12 PM या 1 PM, 1 PM, और डेट जो है सेम डे, या मिनिमम 1 डे का दे रहा है ने, तो ये डेट में नाउ यू ड्राइव मोर हाई क्वालिटी ट्रैफिक टू योर वेबसाइट एट अ पोटेंशियल लोअर कॉस्ट सेटिंग योर गोल टू साइट विजिट। अब इसके बारे में मज़ीद इफ़ यू वांट टू लर्न क्लिक ओवर हियर, आप उसको फर्दर डिटेल मिलेगी आपको व्हाट इज़ ट्विटर वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है, ये क्या चीज़ है, आपको कैसे यू कैन सेटअप, इसकी डिटेल आपको बताएगा वो, तो वी विल नॉट रन दैट कैंपेन। आपका गोल है यहाँ पे, गोल क्या है आपका यहाँ पे सेट करना है, यू हैव टू सेट योर गोल साइट विजिट इवेंट, यहाँ पर आपका जो सेलेक्ट एन इवेंट, आपको जो भी इवेंट सेलेक्ट करना है यहाँ पे, उस इवेंट को सेलेक्ट करना है, इम्प्रेशंस कितने होना है, डेमोग्राफिक्स क्या होना है, एनी मैन और वुमेन कौन सा आपका टारगेट है, एज क्या होनी चाहिए उनकी, कंट्री कौन सी होनी चाहिए, लैंग्वेज अगर कोई स्पेसिफिक है तो वो लैंग्वेज के बारे में लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश तो है ऑलरेडी, अदर लैंग्वेज है तो इंग्लिश, तो इस तरह करके आप जो है फिर नेक्स्ट करेंगे, आपका जो है पेमेंट मेथड आएगा। यहाँ पर आप इस कैंपेन को आप जो है प्रीव्यू दिखा रहा, हाउ यू सेटअप योर कैंपेन, ये आपका बजट है, ये टारगेटिंग है, ये प्लेसमेंट है, ये क्रिएटिव है, यू नीड टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 ट्वीट टू लॉन्च दिस। इसमें जो आपको ट्वीट किए हैं, कोई ट्वीट अपने सेलेक्ट नहीं किया है, उस वजह से वो ट्वीट को आप प्रमोट करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करने के लिए उसको सेलेक्ट करना है, जैसे अभी हमने एक ट्वीट किया था उसको सेलेक्ट करेंगे तो हम वो कैंपेन रन कर पाएंगे। ये जस्ट सेटअप के लिए जो स्टेप आते हैं आपको, ये जो है इसके बारे में दिखाया, तो यहाँ तक के आपको ट्विटर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में पता चला। अब इसके बाद में रही चीज़ एनालिटिक्स की, तो ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, वी कैन नॉट गो फॉर यूट्यूब, यूट्यूब के लिए कल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल यूट्यूब का अगर करेंगे तो काफ़ी टाइम होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जो एनालिटिक्स है, इसमें 3 ट्वीट है, ट्वीट को 20 इम्प्रेशन हुए और 39 ऑलमोस्ट 40 पीपल हैव विजिटेड। तो यहाँ पर क्या ट्वीट था आपका, क्या इन्फॉर्मेशन थी ट्वीट में, और इसका जो एनालिटिक्स है वो आपको रिजल्ट दिखा रहा है, ट्वीट की एक्टिविटी क्या है वो दिखा रहा है, ये ट्वीट की एक्टिविटी है, इस तरह करके आपको जो है इसमें एनालिसिस पता चलती है। अब उसके बाद में मीडिया स्टूडियो, आप जो भी चीज़ें शेयर कर रहे हैं उसको जो है किस तरह आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, इसके अंदर आपके मीडिया को, फ़ोटोज़ को और जो है वीडियोज़ को किस तरह आप जो है ऑर्गेनाइज़ करेंगे, वो सारी डिटेल यहाँ पर इसमें अवेलेबल रहते हैं, जो भी आपने इसमें मीडिया में ऐड, इसमें वीडियो ऐड किया है, इसमें ये जो है वीडियो की शक्ल में है, इट्स ए वीडियो, ये जो है फ़ोटो है, ये भी फ़ोटो है, तो किस तरह आप अपना मीडिया को इसमें मैनेज कर सकते हैं। देन द रिमेनिंग पार्ट, सेटिंग ऑफ योर अकाउंट एंड प्राइवेसी, ये भी जो है बेसिक चीज़ है, जो आपको अकाउंट के सेटअप के वक्त में जो है इस पर काम करने की ज़रूरत होती है कि आपका अकाउंट का डिटेल क्या है और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, आप एक एक करके जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा अकाउंट की इन्फॉर्मेशन क्या है, हाउ यू चेंज योर पासवर्ड, ये डिफरेंट अदर इसके फंक्शंस है। देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो हाउ यू कॉन्टैक्ट विद द हेल्प एंड सपोर्ट सिस्टम ऑफ ट्विटर, यहाँ पर आपका जो अकाउंट है अकाउंट की डिटेल मिलेगी, मैनेज योर अकाउंट यूजिंग ट्विटर, आपको जो है डिफरेंट इसमें
हेल्प एंड सपोर्ट की टॉपिक्स मिलेंगे जिसके ज़रिए आप जो है ये जान सकते कि आपको जो है जो इशू है हाउ यू कैन रिजॉल्व योर इशू। तो अभी आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है, इसलिए कि अगर हम जो है YouTube का कस्टमाइजेशन और उसके अकाउंट पे जाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू सेम टॉपिक ऑफ YouTube। आज हमने जो है YouTube की बारे में जो है स्लाइड शेयर में जो कुछ आपको बताया उसको किस तरह ऑनलाइन करेंगे, कल एक बार रिवीजन करेंगे YouTube का, और उसके बाद में फिर जो है YouTube को किस तरह कस्टमाइज़ करना है वो उस पर जो है स्टडी करेंगे। If you have any questions, you can ask. इसमें आप लोगों के लिए असाइनमेंट ये है कि जो लोग अपना अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किए या उनको नहीं है अकाउंट उनका नहीं है या फिर वो यूज़ नहीं करते हैं तो दे हैव टू स्टार्ट देयर अकाउंट, वो अकाउंट क्रिएट करें, इसमें एक्टिविटी करें, और ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं इनको जो है आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको सही से पता चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देख लेंगे और ये समझेंगे कि आपको जो है आ जाता और जो है आप प्रैक्टिस करने के टाइम आपको कुछ भी नहीं आएगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ आप जो है अपना अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकली आपको इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर आपका इसके अलावा अगर अकाउंट है तो आप इसमें से लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग आउट करने के बाद में आप फिर अपना दूसरा जो अकाउंट है उसके थ्रू लॉग इन भी कर सकते हैं। तो आपको जो है ट्विटर के बारे में जो प्रैक्टिकल है वो भी समझ में आ गया होगा कि फिर किस तरह जो है आपका पर्सनल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें हाउ यू कैन डू अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्विटर ऑनलाइन, किस तरह आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप पूरे टॉपिक्स देख लेने के बाद में आप इसको किस तरह अपने अकाउंट क्रिएट करने और फ्यूचर में अगर आपको एडवर्टाइजिंग की इसमें ज़रूरत रही तो इस प्लेटफॉर्म को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था मैं पीपीटी के थ्रू जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ट्विटर इज़ नॉट ए फेमस एंड यूज़फुल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है आपको फेसबुक और गूगल, ये दो ही बहुत ज़्यादा जो है मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब चूंकि ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिस तरह के फेसबुक है, जिस तरह के जो है गूगल के डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसी तरह ये भी एक प्लेटफॉर्म है और ये लोग भी चाहते हैं कि इससे बिजनेस को प्रमोट करें, इससे वो भी कमाएं, और हर एक का पर्पज़ होता है कि एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो अपनी सर्विसेज रन करते हैं। तो अगर कोई अपना प्लेटफॉर्म जिस तरह के गूगल और फेसबुक यूज़ करता है एडवर्टाइजिंग के लिए, क्योंकि वो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इससे जो है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल तक आप जो है रीच कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, उन तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज और उन तक ऑफर्स पहुंचा सकते हैं, उस वजह से ये प्लेटफॉर्म भी एडवर्टाइजिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट्स है, पिंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स है, और जो है स्लाइड शेयर एडवर्टाइजमेंट्स है, चूँकि ये और कोरा एडवर्टाइजमेंट्स है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स चूँकि पब्लिक डोमेन में पब्लिक के सोशल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो है डेवलप हो रहे हैं और दे हैव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो है लैक्स ऑफ जो है यूज़र्स हैं, तो उन तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए वेरी ईजी मेथड, अब इसमें जो है आप अपना इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी एज ए पर्सनल जो है अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि जो है फेसबुक का कल हमने प्रैक्टिकल भी किया था कि किस तरह आप जो है अपने अकाउंट्स में आपकी प्रोफाइल के अंडर में
अपने बिजनेस पेजेस क्रिएट कर सकते हैं या आपके कस्टमर्स और क्लाइंट्स के जो है पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट्स और कस्टमर के लिए जो है ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। अब एग्जांपल लीजिए कि अगर एक ग्रुप में सपोज़ 1,000, 10,000, 50,000, 100,000 मेंबर होंगे तो आपके एक पोस्ट से जो कि 100,000 मेंबर्स है उन तक आपका जो है मैसेज या इंफॉर्मेशन या एडवर्टाइजमेंट या जो भी अनाउंसमेंट है आप करना चाहते हैं उस ग्रुप के साथ शेयर करना चाहते हैं उन तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। एंड दैट आल्सो वेरी लो, यानी उसमें तो कोई कॉस्ट भी आपको जो है पे नहीं करनी है क्योंकि वो इट्स ए पर्सनल ग्रुप या प्रोफेशनल ग्रुप या बिजनेस ग्रुप है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाते हैं। तो अब इसमें अगर इसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है तो आप उन्हीं के प्लेटफॉर्म को एज ए सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ऑर्गेनिक यानी विदाउट एनी पेमेंट आप जो है अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करके अपने फॉलोवर्स को अपने ऑडियंस को बढ़ा सकते हो या उन तक पहुंच सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और एल्स यू कैन डू दिस बाय पेइंग दी कॉस्ट ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरह जो है हर प्लेटफॉर्म आपको सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर हर प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं जो कि पब्लिक के लिए आफ्टर पेमेंट दे विल अलाउ टू पोस्ट इट। अदरवाइज आपको आपका ग्रुप इतना अच्छे तरीके से मेंटेन है कि उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो है मेंबर्स आते हैं, कई ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें कई कई लाख जो है मेंबर्स होते हैं और वो सब जो है मेंटेन बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हु क्रिएटेड दैट ग्रुप। जैसे कि आपको बताया था मैं कल कि हाउ यू क्रिएट पेज इन योर प्रोफाइल और हाउ यू कैन क्रिएट योर ग्रुप इन योर प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल के अंडर में ही उसके डिफरेंट पेजेस, उसके डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और उन ग्रुप्स को यू कैन मेंटेन इट प्राइवेटली, यू कैन मेंटेन इट पब्लिकली, यू कैन मेंटेन इट बाय सब्सक्रिप्शन। तो वो सारे ऑप्शन जो है आपको उसमें अवेलेबल हैं। तो इस वजह से सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो बहुत ही फैलाव के साथ जो है आज दुनिया में फैल रहा है। तो इसकी जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में। तो एवरीथिंग इज़ हियर, आपको थ्योरी भी मालूम हो रही है और जो है आपको एवरीथिंग यू हैव टू डू इज़ प्रैक्टिकल। आपको जितना है, जितना थ्योरी बताया जा रहा है उससे 90% आपको पोर्शन आपको प्रैक्टिकल से खुद से करने का है। तो यू डू इट बाय योरसेल्फ और जो दिन आपको जो चीज़ बताई जा रही है वही उस दिन का आपका असाइनमेंट होगा। आई डोंट नीड टू टेल दैट यू हैव टू डू दिस एंड कम आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस टास्क टुमारो। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू वॉन्ट टू लर्न, आपको वो काम ऑटोमेटिकली आपको खुद करना है, वो आपका गिवन असाइनमेंट है, आपका टारगेट है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे स्टेप बाई स्टेप और सबको पेंडिंग रखेंगे तो आपको समझने में मुश्किल होगी। देन अल्टीमेटली यू विल से नो आई कैन नॉट लर्न दिस, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो आप स्टेप बाई स्टेप करते जाएंगे डेली जिस तरह आपको जो है बताया जा रहा है, तो इट विल बी यूज़फुल फॉर यू ऑल। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सप्लेनेशन दे वॉन्ट दे कैन आस्क मी। सो आई विल स्टॉप हियर। जो आपका असाइनमेंट है वो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी आपने आज किया है उसको आप अपना प्रैक्टिकल करें, दैट विल बी योर असाइनमेंट ऑफ टुडे। ओके, थैंक यू वेरी मच।